शांति। आज की तारीख है 24/3/15 और आज की मुरली को सुनने के पहले हम ये सोचेंगे कि हमने भक्ति मार्ग के अंदर गति और सदगति को पाने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए और प्रभु के दर्शन करने के लिए कितने तीर्थों पर गए और कितने तीर्थों पर कितने मंदिरों के गेट को हमने देखा, गेट के अंदर गए, परंतु हमें वह गेट नहीं मिला जिस गेट से हमारी गति और सदगति होती है। और वो गेट आखिर कौन खोलेगा, कौन वो गेट बताएगा और कैसे हम उस गेट से प्रवेश करके और गति सदगति को प्राप्त करेंगे और अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर, पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। शांति धाम अर्थात मुक्ति और सुख धाम अर्थात जीवन मुक्ति, तो इन दोनों का रास्ता बाप ही बताते और बाप ही ये गेट खोलते हैं जिस गेट से गुजरकर हम बच्चे इन दोनों प्राप्तियों को प्राप्त करते हैं। प्रश्न है आज का, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। कर्म तो हम दिन भर बहुत सारे करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय कौन सा वह कर्म श्रेष्ठ है। उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। नेत्रहीन को नेत्र देना, जो अंधकार ही अंधकार देखते हैं, अंधकार में ठोकरे खाते हैं, उनको रोशनी दे करके सही दिशा दिखाकर सही मार्ग पर चलाना अर्थात अंधों की लाठी बनना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का यानी मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। जैसे एड्रेस में कोई मुख्य ऐसी निशानी बताई जाती है कि या तो किसी मंदिर के पास, या तो किसी बड़ी होटल के पास, या तो फिर किसी विशेष कोई कंपनी हो उसके पास, इस प्रकार से कोई निशानी होती है। तो बाबा भी कहते हैं, ऐसा कौन सा शब्द बताएं जो सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सहज मिल जाए। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ही ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं, मनसा की खिड़की पे भी ध्यान रखो, वाचा की खिड़की पर भी ध्यान रखो और कर्मणा की खिड़की पर भी ध्यान रखो। वाचा अधिक नहीं चलानी है, एक दो को दुख नहीं देना है। नंबर दो है, ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीन सिनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूलकर मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है।
वरदान है आज का, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, अलबेलेपन को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए बाबा कहते हैं निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी और कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।